गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। ये गुड्डू के लिए टिफ़िन बना रही हूँ, प्याज पराठा और बड़ी की सब्जी। अभी सुबह के 8:30 हो रहे हैं और मेरा गुड्डू का मतलब टिफ़िन बन चुका है। मैं पानी पी चुकी हूँ, आप लोगों के साथ अभी गप्पा कर रही हूँ, मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। 1 hour later अभी सुबह के 10:15 हो रहा है, गुड्डू ऑफिस जा चुके हैं और गुड्डू को टिफिन दे चुकी हूँ। भाग ही रही हूँ सुबह से, मैं अभी बैठी हूँ, मतलब बैठ कैसा लगा मेरा मजाक? मतलब भागते भागते बस 2 मिनट के लिए बैठ रही हूँ, ऐसा हो रहा है मुझे। आज बनाना है मुझे रात में चावल की रोटी और आलू सरसों की सब्जी। तो चावल का आटा जो है वो चार के रख चुकी हूँ पानी के अंदर, चारना ही बोलते हैं ना उसको, यूं करके पानी के अंदर, तो वो करके रख चुकी हूँ। और अभी मैं जाऊँगी सार लेने के लिए, सार ले लूँगी, पूजा कर लूँगी, उसके बाद जो है बाकी का कार्यक्रम होगा। 1 hour later Once again, वेलकम बैक। और अभी टाइम हो रहा है 11:15 हो रहा है, मेरा नहाना पूजा पाठ सब कुछ हो गया, स्किन केयर कुछ नहीं हुआ है, ना बाल बाल ठीक हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, बस सीधा पूजा करके उठी हूँ, सीधा किचन में आ गई हूँ, क्योंकि अभी हाउस हेल्पर आने वाली है ना वो बर्तन वगैरह करने के लिए। तो मैं चावल तो वो बना करके चावल के आटा के रख दी थी, बट अभी मुझे आज आलू सरसों की सब्जी बनानी है, तो अभी वही मैं सरसों ग्राइंड कर रही थी। फिर मुझे ध्यान नहीं आएगा कि आप लोगों के साथ तो मैं बता ही नहीं कि मैं अभी क्या कर रही हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कपड़ा वॉशिंग मशीन में लगा चुकी हूँ, पूरे घर का डस्टिंग हो चुका है। मेरे बेडरूम का नहीं हुआ है क्योंकि आज मुझे बेडशीट चेंज करना है, 3 दिन हो गए थे तो आज मुझे बेडशीट चेंज करना है। मुझे पता नहीं क्यों मुझे 3 दिन के बाद ही ना बेड के ऊपर सोने की इच्छा नहीं होती है, तो वो काम करना है। नाश्ता भी अभी नहीं की हूँ मैं, एक फल खा चुकी हूँ, एक फ्रूट खा चुकी हूँ मैं, लेकिन प्रॉपर जो होता है ना थोड़ा सा बना के चीला वगैरह कुछ खाना तो वो नहीं खाएंगे, तो अब मैं जा रही हूँ खाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। Much later तो दोस्तों अभी 2:30 होने जा रहा है, आप देख रहे हो 2:30 होने जा रहा है, और अभी मैं देख रही हूँ श्रीकांत देख रही हूँ टीवी के ऊपर। और अभी मैं लंच करूँगी, 10-15 मिनट्स में लंच करने वाली हूँ, और लंच में एक काकड़ी मैं पहले ही खा चुकी हूँ बैठ कर के, और 2 फुलका और आलू सरसों की सब्जी बनाई हूँ, तो वो मैं खा लेने वाली हूँ लंच में। तो चलिए लंच कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। Much later तो दोस्तों अभी रात के 11:30 हो रहे हैं, गुड्डू सोने जा चुके हैं, 11:35 हो रहा है। चावल की रोटी और आलू सरसों की सब्जी जैसे मैं बताई थी, तो वो डिनर हो गया, खा करके सोने जा चुके हैं। मैं आपसे अभी बात कर रही हूँ, एक्चुअली मन नहीं लग रहा है यार, बच्चों के बिना एकदम मन नहीं लगता, इतना सुना सुना लगता है ना, क्या ही मैं बताऊँ। मैं अपने आप को बहुत अकेला फील करती हूँ, जब एटलीस्ट गोल्डी रहती है तो मेरे को अच्छा लगता है, बट गोल्डी भी नहीं रहती है तो मैं अपने आप को बहुत अकेला फील करती हूँ। बट आप लोग मेरे सहारा हो, आप लोगों से बात कर लेती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। बट मैं सोचती हूँ कभी कभी कि अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यूट्यूब पर नहीं होती, अगर आप सब मेरे साथ नहीं होते, तो इस टाइम में मैं क्या करते रहती, ये चीज़ है। हाँ आई थिंक उस टाइम में मैं जो मेरा छोटा सा बिजनेस है सोप का, फेस पैक का, ये सब को थोड़ा और मैं बड़ा करती और इसके ऊपर शायद थोड़ा और फोकस करती, बट पता नहीं क्या करती उस समय, वो करती कि नहीं करती। बट अभी तो मुझे लगता है आज के दिन में YouTube मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा हो गया, सीरियसली YouTube बहुत बड़ा सहारा है मेरा, मुझे अकेलापन नहीं लगता आप लोगों के कारण, नहीं तो बहुत अकेला फील करती हूँ मैं। अभी गुड्डू के साथ कितना बात करूँगी, कितना बात करने का भी तो एक बात होना चाहिए ना, कितना बात करूँ, कितना 24 घंटा आप क्या ही बात करोगे। बहुत के मन में यार हस्बैंड से क्या, अरे हस्बैंड से कितना बात करोगे आप, कितना ही बात करोगे आप, है ना, सारे टॉपिक पर कितना आप बात कर सकते हो, तो वो समझ नहीं आता। लेकिन अब एक गोल्डी भी रहती है तो उसके साथ टाइम पास हो जाता है, उसके साथ टीवी में अकेले सुबह से आप यकीन नहीं करेंगे, मैं उठती हूँ तो टीवी ऑन रहता है, मैं सोती हूँ तो टीवी ऑफ रहता है, म्यूट करती हूँ, सारे घर का काम होते रहता है, ये तो टीवी चलते रहता है, म्यूट एलेक्सा चलते रहती है, मैं काम करते रहती हूँ, ये वाली स्थिति हो गई है। तो अगर आप लोग नहीं होते तो सिंपल लैंग्वेज में मेरा क्या होता, क्या बोला तूने? आप लोगों को दिल से थैंक यू,
और थैंक यू ये यूट्यूब महाराज को, जो कि वो सडनली पता नहीं क्या दिमाग में आया, मैं यूट्यूब चैनल पे आई और आप लोग की ये जो हमारी जो है ये फैमिली जो है बन गई। तो यही है कहानी, दर्द भरी कहानी मेरी, कि बड़ा खालीपन लगता है बच्चों के बिना। ये एज ही लगता है, मुझे लगता है कि जब आप 45 प्लस हो जाते हो ना, जब बच्चे आपसे दूर चले जाते हैं, तो ये फेज जो है ना लाइफ का, मुझे लगता है सबसे बेकार लाइफ होता है, फेज होता है लाइफ का, कि आपको मुझे अपने घर जाना है समझना होता है अपने आप को, आपको ना फिर से अपने आप को समझना होता है। मुझे लगता है कि मैं जब शादी के बाद आई थी और उसके बाद अपने आप को समझी थी, और उसके बाद जो है मुझे लगता है कि अब मुझे फिर से मैं अपने आप को समझ रही हूँ कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, कैसे रहूँ। मुझे लगता है एक ये जो टाइम होता है, ये टाइम अगर आप अच्छे से निकाल लिए ना तो फिर सही रहता है, नहीं तो ये जो टाइम होता है ना, इसी में बहुत लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत लोग अकेलापन बहुत ज़्यादा फीलिंग, क्योंकि उनको बच्चों के साथ पीछे भागते रहने की आदत होती है, ये करो वो करो ये करो वो करो, जैसे मेरी भी आदत थी। तो अगर बच्चे सडनली बच्चे आपसे दूर चले जाते हैं पढ़ने के लिए, आपके पास कोई काम नहीं रहता, तो आपको समझ ही नहीं आता है कि आप क्या करो। तो इस टाइम में जो है ना अपने आप को बहुत संभालना पड़ता है, अपने आप के अपने दिमाग को जो है ना फोकस में लाना पड़ता है कि बेटा बिजी रहो, दिमाग को बिजी रखना पड़ता है, क्योंकि दिमाग अगर खाली रहा तो खाली दिमाग शैतान का 50 चीज आपके दिमाग में घुसता है, फिर 50 आपके दिमाग में घूमता है और कुछ भी अच्छा नहीं घूमता। एक चीज़ मैं बताऊं, जब आप खाली बैठते हो तो एक भी चीज़ अच्छा आपके दिमाग में नहीं आता, सिर्फ गंदी बातें आती है, मतलब बैड थिंग आपके माइंड में आते हैं, कुछ भी निगेटिव, जो निगेटिविटी आपके मन के अंदर आने लगता है। बट अगर आप इंगेज रहते हो तो बेटर रहता है, चाहे आप कॉमिक पढ़ो, चाहे आप नॉवेल पढ़ो, या आपको रीडिंग का शौक है, राइटिंग का शौक है, या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट में है, कुकिंग में है, बट और जिसमें भी है, बट आप करो, क्योंकि ये एज जो है ना, जिस एज में अभी मैं जिस फेज में मैं हूँ, उस फेज में अगर हो आप तो आप मेरी बात को समझोगे, लेकिन अगर आप मेरे फेज में नहीं हो, मेरे फेज के बहुत पहले हो, तो एक बात मैं आपको बता दूँ, इस फेज में आप ही आने वाले हो एक टाइम, तो अभी से अपने आप को बिजी रख लो और सचेत कर लो अपने आप को। मैं अपने आप को आप लोगों के बदौलत बहुत बिजी रखी हुई हूँ, क्योंकि सीरियसली आप लोग हो तो मैं बहुत बिजी रहती हूँ, यही वाली बात है। चलिए आज का ब्लॉग यहीं खत्म करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।